हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 10 करेंगे, विच इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लास्ट क्लास में हमने रूल्स पढ़े थे रे डायग्राम के बाय कॉनकेव मिरर, और आज की क्लास में हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। लास्ट हमने सेम ऐसे ही रूल्स पढ़े थे बट वो कॉन्केव मिरर के थे। आज की क्लास में हम कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स एंड रे डायग्राम की इमेजेस कैसे बनती हैं ये पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट रूल इज़ अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। अब इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था जहाँ पे पी एफ और सी, पी मीन्स पोल, एफ फोकस एंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ये तीनों सेम एक लाइन पे जहाँ पे भी ये होते हैं उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब यहाँ से एक लाइन लिखा हुआ है रूल में कि पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके एक लाइन पैरेलल है। सो जब वो लाइन या इंसिडेंट रे जब इस पर रिफ्लेक्ट करेगी तो वो यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। तो यहाँ से इसने रिफ्लेक्ट करके ये यहाँ से डाइवर्ज हो गई, तो ये दिखेगा कि जो अगर सपोज़ यहाँ से कोई इंसान देख रहा है इसके रिफ्लेक्शन के बाद में, तो उसे ये लगेगा ये जो रे है ये फोकस से है। ये हमारा फर्स्ट रूल कहता है। अब देखिए, इसमें ये हमारी डाइवर्जिंग रे थी, जब हमने इसके बैक साइड पे मिरर के इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी तो ये फोकस पर आकर मिल जाती है। यही रूल है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। तो ये फर्स्ट। नाउ सेकेंड, अ रे इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला रे डायग्राम और ऊपर वाला रे डायग्राम आपको दोनों सेम ही दिख रहे होंगे, बट इनमें डिफरेंस ये है। अब इसमें बोला है रे इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे रे फोकस की साइड, फोकस कहाँ पे, मिरर के बैक साइड पे। ये हमारी रे आती है इंसिडेंट रे, जब मिरर से स्ट्राइक करेगी तो ऑब्वियसली ये वापस से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो ये रे बन गई। अब इसमें बोला है कि टूवर्ड्स फोकस, तो हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी और जिसको फोकस से मीट कर दिया, विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे हमारी, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और आप ये देखिए ये यहाँ पे इसके पैरेलल में आ गई है। तो ये है सेकेंड रूल। नाउ थर्ड इज, अ रे इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। अब इसमें देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पी एफ एंड सी, रे इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब कोई रे, ये हमारी रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड जा रही है, लेकिन उससे पहले जब रे इधर आएगी तो मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी। अब जो हमारी ये रे है ये वापस से सेम पाथ पर जाएगी, जो डॉटेड लाइन है इसको इमेजिनरी लाइन बोल सकते हैं, ये रिफ्लेक्शन सेम पाथ पर हो गया। उसके बाद में इसमें बोला है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमने मिरर के बैक साइड पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी। तो ये हमारा थर्ड रूल है, द रे इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड जाएगी वो रिफ्लेक्ट करके सेम पाथ पर वापस आ जाएगी। नाउ फोर्थ एंड लास्ट रूल इज़, रे इंसिडेंट टू द पोल रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल। ये हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, एंगल आई इज इक्वल टू आर। अब इसमें देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, पी एफ एंड सी जिस पे लाई करते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये मिरर हो गया आपका। अब यहाँ पे रे इंसिडेंट करी है, देखिए ऊपर से यहाँ से एक रे आई है, मिरर से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करके वो सेम डिस्टेंस पे, इतनी जितना इस साइड से आई थी इतना ही ये वापस जा रही है। तो यहाँ पे हमारे दो एंगल्स बनेंगे, एंगल आई एंड एंगल आर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि हमारी इंसिडेंट रे है और ये वाली हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये चार रूल थे कॉन्वेक्स मिरर के। अब नेक्स्ट टॉपिक, इन रूल्स के बेसिस पे ही हम रे डायग्राम बनाएंगे किस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में बनेंगे। अब फर्स्ट है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इस वीडियो में हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे इसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में मिल जाएंगे। सो
व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब बात इन्फिनिटी की होती है तो हमें खुद नहीं पता होता कि रेस कहाँ से आ रही है या कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है। अब इसमें देखिए पी एफ एंड सी ये सेम लाइन पे हैं, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से रेज आ रही है 1, 2, 3 एंड 4, ये इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी एंड पॉइंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है या लाइंस कहीं पे भी मीट नहीं कर रही है। अब यहाँ से जब इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो ये मिरर है, मिरर से ये स्ट्राइक करेंगी, यहाँ से ऊपर इसने यहाँ पे, ये यहाँ से, ये यहाँ से, यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद ये रेज रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ना तो यहाँ पे ये कहीं पे मीट कर रही है ना ऊपर कहीं पर मीट कर रही है, और जब तक कोई भी दो से ज़्यादा लाइंस मीट नहीं करती तब तक हमारी इमेज नहीं बनती है। तो ऑब्वियसली इस केस में मिरर के बैक साइड पे आपकी इमेज बनेगी, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे थी हमने उसे इमेजिनरी लाइन से मीट करा, इमेजिनरी लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी और फिर हमने देखा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जाके मीट कर गई, जिसको आप एफ बोलेंगे, यहाँ पे क्या है फोकस। तो अब प्रॉपर्टीज देखिए ये इमेज की, फर्स्ट पोजीशन कहाँ पे होगी एफ पर, नेचर कैसा होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज क्या होगा पॉइंट साइज, पॉइंट साइज यानी कि ये कैसा हो गया छोटा हो गया, वर्चुअल इसलिए क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इसलिए क्योंकि हमारी ये लाइंस इमेजिनरी है और मिरर के बैक साइड पर बन रही है। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, पी मतलब पोल, ये हमारा पोल है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, उस पर एक पोल है। अब यहाँ से इन्फिनिटी, पी एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी या मैंने कोई पॉइंट मार्क नहीं करा तो इट मीन्स कि वो इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है पी एंड इन्फिनिटी के बीच में, तो यहाँ पे कहीं पे मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। अब ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंट करवाई, देन ये मिरर की वजह से, मिरर से स्ट्राइक करके ये रिफ्लेक्ट कर गई, डाइवर्ज, ये रे डाइवर्ज हो जाएगी, ये ऊपर की साइड चली गई। देन जब हमने नेक्स्ट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड ड्रॉ करी, तो सेम यहाँ पे आपका ये मिरर है, मिरर के पास जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड रे जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट करके सेम पाथ पर आएगी, ये देखिए डॉटेड लाइन, ये इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ करी है कि ये सेम पाथ पर आई। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियसली इमेज इस साइड नहीं बनेगी, तो हमारी इमेज, ये इमेज भी हमारी मिरर के पीछे बनेगी। तो इसमें देखिए जो हमारी डाइवर्जिंग रे थी उसको मैंने डॉटेड लाइन से, इमेजिनरी लाइन से आगे ड्रॉ कर दिया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड जो लाइन आ रही थी उसको भी आपने एक इमेजिनरी ड्रॉ कर दिया, फिर आपने देखा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों लाइन मिल रही हैं, जिसको आपने इमेज का नाम दिया। यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। अब इसमें पोजीशन देखिए इमेज की, पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में आपकी इमेज बनेगी, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ये भी मिरर के बैक साइड पे है, साइज इसका स्मॉल होगा। तो ये थे हमारे रे डायग्राम्स और रूल्स कि किस तरीके से हम कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस बनाएंगे। अब इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब जो स्फेरिकल मिरर्स है उसमें हमने दो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने ऐसे नोट्स की फॉर्म में लिखे हैं, इसको मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी, बट पहले एक बार इसकी रीडिंग कर लीजिए। ऑब्जेक्ट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, नेक्स्ट इज ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, थर्ड इज ऑल डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग प्लस एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग माइनस एक्स एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। अब एक बार इसमें डायग्राम में देखिए, ये आपका पाथ है, डायरेक्शंस बना रखी है मैंने एक्स एक्सिस और ये हमारे MN, ये हमारा मिरर। अब इसमें देखिए जब कभी भी बात करेंगे लेफ्ट टू राइट, एंड इसमें दो पॉइंट्स मार्क करिएगा, ये इधर हमारा लेफ्ट और ये वाला राइट, जब कभी भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे या रेज लेफ्ट टू राइट जाएंगी तो इमेज आपकी पॉजिटिव होगी, अगर राइट टू लेफ्ट है तो नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा आपका लेफ्ट साइड पे प्लेस किया जाएगा, उसके अलावा अगर हाइट की बात करें, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसकी हाइट, ये ऑब्जेक्ट हो गया और इसकी हाइट की बात करें तो ऊपर की साइड इमेज या ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी और नीचे की साइड वो नेगेटिव होगी। यही सेम डिस्टेंस का होगा, इधर की साइड लेफ्ट टू राइट में आपका पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट अगर हम इधर से इधर की साइड आएंगे तो हमारे
नेगेटिव होगा। तो ये कुछ रूल्स थे आपके साइन कन्वेंशंस के लिए, ये आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करने हैं। देन नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप जो यू लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स कि यू वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। फोकल लेंथ अगर कॉन्केव मिरर में है तो नेगेटिव होगी, और अगर कॉन्वेक्स मिरर में है तो पॉजिटिव। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा बिकॉज न्यूमेरिकल्स में ये बहुत हेल्प करते हैं, और इस कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल आता ही आता है। सो मिरर फॉर्मूला, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे आपको सिंबल मीनिंग दे रखे हैं, वी इज इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ फोकल लेंथ। ये जो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स, मिरर फॉर्मूला और ये साइन कन्वेंशन, इन सबको यूज करते हुए न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब मिरर फॉर्मूला के बाद में आपके पास क्वेश्चन मैग्निफिकेशन का आता है, जो आप न्यूमेरिकल करते हैं, अगर आपका वो 3 या 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल आता है तो उसमें 1 मार्क आपका मैग्निफिकेशन के लिए होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये रेशियो होता है बिटवीन द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप देखिए यहाँ पे सेम मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसको आप मैग्निफिकेशन कहते हैं। अगर आप हाइट और हाइट इमेज एंड ऑब्जेक्ट की ना लेके आप m इज इक्वल टू -v/u भी लिखेंगे तो भी सेम ही बात हो जाती है। तो ये मैग्निफिकेशन के लिए आपका 1 मार्क का फॉर्मूला बन जाता है, और ये आपको साइंस दे रखे हैं कि किस टाइम पे आपकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी, कब आपकी नेगेटिव होगी। अब देखिए इसमें, इफ m इज नेगेटिव तो इमेज आपकी रियल होगी, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज आपकी वर्चुअल होगी। ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न होने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ़ हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स कि दोनों अगर इक्वल हैं तो आपका m 1 होगा, तो इमेज भी आपकी इक्वल होगी ऑब्जेक्ट के, क्योंकि दोनों का साइज, हाइट और साइज दोनों का सेम है। नेक्स्ट, इफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन आपका जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से बड़ा होगा, तो उस केस में इमेज आपकी एनलार्ज्ड होगी। और इसके ऑपोजिट केस में जब मैग्निफिकेशन कम होगी 1 से तो आपकी इमेज डिमिनिश्ड होगी। देन नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर। अगर हम प्लेन मिरर की बात करें, ये हमने स्फेरिकल मिरर्स की पढ़ी थी, स्फेरिकल मिरर्स मीन्स कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो मैग्निफिकेशन हमेशा +1 होगी। इसमें +1 जब हम लिखेंगे तो प्लस साइन का मतलब होता है वर्चुअल इमेज, एंड जो 1 होता है इसका मतलब है कि इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। सो ये साइन +1 से आपको पता होना चाहिए। देन इफ m, m means मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, <1 है तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ये पॉइंट आपके 1 मार्कर्स में भी आ सकते हैं, और अगर आपकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, <1 है तो ये हमारा कॉन्केव मिरर होगा। और इसके अलावा आप कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में जब डिफरेंस लिखेंगे उस टाइम पे भी आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, और अगर हमारी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो वो आपका कॉन्केव मिरर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। हमने अभी तक 10th चैप्टर में लाइट के बारे में कंप्लीट पढ़ा है, लाइट व्हाट इज लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, एंड रिफ्लेक्शन के बारे में कंप्लीट पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट जब बाउंस बैक करके सेम पाथ पे या फिर रिफ्लेक्ट करती है, मीन्स कि मिरर से स्ट्राइक करके जब वो वापस जाती है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन के बारे में सब कुछ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इट मीन्स कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट कैसे ट्रांसफ़र होती है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।